दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा बना रहे हो फिर भी आप पे कुछ इस प्रकार से 10, 20, 30, 40, 50, 700 मत ज्यादा कर जाएगा 100 वीडियो तक व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अच्छा बजाने के बावजूद भी आपको एक काम करो दोस्तों, ट्रेंडिंग पे पकड़ो दम, हर एक वीडियो पे ना हजारों लाखों में व्यूज आएंगे दोस्तों। तो जी हाँ, आप देख लो, आपको मैं एक चैनल का आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, व्यूज दिखा देता हूँ। इतना व्यूज क्यों आया दोस्तों, जी जो टॉपिक ट्रेंडिंग में चलता है ना वही वीडियो मैं डालता हूँ। अभी भी मैं ऑडियंस के डिमांड पे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो सिंपल तरीके बता रहा हूँ आपको। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको पकड़ना तीन तरीका बताऊंगा आपको, तो तीन तरीके से आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड कर सकते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक आप बना सकते हो, वो आपको अच्छे खासे आपको पते होंगे। तो ट्रेंडिंग टॉपिक के वीडियो बनाते हैं ना तो उस वीडियो पे हजारों लाखों में व्यूज आते हैं दोस्तों। तो आपको ये भी बात क्लियर करता हूँ, ऑडियो को डिमांड्स पे करेंगे वीडियो बनाओगे तो वो आप लोग खासकर देखेंगे ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा चीज है, आप लोग मान्य रखता है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको फाइंड करना है, वीडियो को ध्यान से देखना। अब वीडियो को देखते हो, जो टॉपिक मैं बताऊंगा आपको कवर करते हो, आपके हर एक वीडियो पे अच्छा खासा आपको व्यूज आएंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है कार्तिक टेक लॉक कैप है, और चैनल का आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पे लिख करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप चैनल को एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट करिए, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले आपको चैनल मिले, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप सब्सक्राइब कर देना, आपको लगे तो ये नहीं कहना कि आपको सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी, आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो व्यूज आने का तरीका क्या, देखो आप क्या करते हो, आपको डिमांड के ऊपर वीडियो बनाते हो, ठीक है। तो डिमांड पे वीडियो नहीं बनाओगे तो लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, तो अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक डिमांड की वीडियो है। अब सुबह चाहते हैं कि इस टॉपिक कैसे फाइंड करें, बहुत सारे सोचते हैं कि क्या सर्च करें, स्क्रिप्ट क्या लिखना है, क्या टॉपिक लिखना है, सुबह से शाम लग जाता है। जैसे मान सकते आपने, अब ट्रेंड में क्या चल रहा है दोस्तों, तो आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप पे वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखेंगे, तो क्योंकि अब ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी मैं आपको 2020 बनाता हूं, आईपीएल का बनाता हूं, क्या वो देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि जरूरत उन लोगों को नहीं है। तो आज मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूं, आगे एक्चुअल में करंट में आपको जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है, जो तीन तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से चलना। तीन तरीके से आप ट्रेंडिंग टॉपिक से आपको यूट्यूब चैनल पे आप उस टाइप के वीडियो बनाते हो तो आप वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, आपको तीनों तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको गूगल क्रोम में ब्राउजर में चल जाना है। अब देखिए क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया हूं, अब इसको ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए सर्च में चल जाना है, और सर्च में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, अब यूट्यूब है, गूगल यूट्यूब दोनों एक तरीके से, दोनों जो गूगल पे सर्च करता है वही चीज यूट्यूब पे भी सर्च करता है, जो यूट्यूब पे सर्च करता है वो तो गूगल में सर्च करता है, क्योंकि गूगल और यूट्यूब दोनों एक ही है। गूगल ट्रेंड का पहले सहारा लेना, सबसे पहले गूगल लिखना, गूगल ट्रेंड लिखना वहां पे, ठीक है, टी आर ई एन डी ट्रेंड लिखना, गूगल ट्रेंड आपके सामने खुल गया स्क्रीन पे। अब आखिर एक्चुअल में जो पूरे इंडिया में कौन कौन से टॉपिक आपका ट्रेंडिंग चल रहा है, किस टॉपिक पे आपका व्यूज आ रहा है, सबसे ज्यादा सर्च कौन से हो रहा है, सबसे पहले यही देखेंगे। तो इससे दो तरीके और बताऊंगा जहां से आप ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग खोज सकते हो। तो यहां पे देखो, आपको देखिए सबसे पहले होम पे गए हैं, ओपन किया होम पे, ठीक है। अब यहां पे देखो सॉरी, क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पे देखो ट्रेंडिंग नाउ, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। इसे ट्रेंडिंग नाउ पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करना है, लोडिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग ले रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्लो है थोड़ा सा, अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका डेली सर्च ट्रेंड लिख रहा है, डेली सर्च ट्रेंड क्या कर रहा है, क्या चीज डेली सर्च कर रहा है, सबसे ज्यादा रियल टाइम सर्च अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट आप कंट्री सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये इंडिया ऑटोमेटिक है, अब मैं इंडिया से हूं तो इंडिया का मेरे को पता करना, आखिर इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च में वर्ड में कौन सा टॉपिक सब ट्रेंड में है, तो ये ऑटोमेटिक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक देखिए लिखा हुआ रियल, रियल लिखा है, मेडिट द वर्सेस लिखा है, एंजलेसिया लिखा हुआ, जो भी है, जो भी हो सबसे पहला नंबर है, सारे लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पीएसजी है, ये बेचारा लोग सर्च कर रहे हैं, अयोध्या दीपोस लिखा हुआ है, दीपोस है आपका लिखा हुआ 2023, ठीक है। अब चंद्रमोहन, एक चंद्रमोहन भी एक आ रहा है, ये जो कीवर्ड है देखिए 2000 मतलब 2 लाख से भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको मार्क करके भी आप देख लीजिए, यहाँ पे समझ जाएंगे कि चंद्रमोहन जो है ना, आप देख सकते हैं ये जो कीवर्ड जो है ना, चंद्र टॉपिक जो है ना दोस्तों, चंद्रमोहन जो टॉपिक है ना, ये देखिए क्या नाम, 2 लाख से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं दोस्तों इस टॉपिक के अंदर। तो कोई एक है ट्रेंडिंग में चल रहा है चाहे जो भी हो, तो आपका ये जो वोटर्स काम, तभी तो इसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं दोस्तों, आपको डेली 2 लाख से लोग लो सर्च कर रहे हैं, समझे, 2 लाख से लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं इस टॉपिक को, 2 लाख से लोग सर्च कर, आप सर्च करें तो और भी यहाँ बहुत सारे सोर्स लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से एक और दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखिए इंटर
मैमी लिखा हुआ है, इसे 50,000 से लोग सर्च कर रहे हैं। एक डेविड वेली, ये डेविड वेली जो है ना आपका क्रिकेटर एक है, ठीक है, एक क्रिकेट प्लेयर है, इसको तो 50,000 से लोग सर्च कर रहे हैं। क्यों सर्च कर रहे हैं हमको भी नहीं पता है, तो यहाँ पे क्लिक है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड, देखो डेविड वेली वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, एक प्लेयर है, ठीक है, आपको सर्च करना, पता करना, एक न्यूज होगा रिलेटेड, उसको सर्च कर रहे हैं। अब देखो मैन यूनाइटेड वर्सेस लोटन टाउन लिखा हुआ है, ये भी बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ट्रेंडिंग में आपको चल रही है, आप क्या चीज लोग सर्च कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूरे इंडिया में जो टॉपिक ना ट्रेंड में चल रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गूगल ट्रेंड में, आपसे मिलता जुलता कोई टॉपिक मैच कर रहा है ना, तो उस पर वीडियो बना के आपको व्यूज को बटोर सकते हो, अच्छा खासा व्यूज को गेन कर सकते हो दोस्तों। तो बात करते हैं ना दोस्तों, आप पे टॉपिक जो वीडियो नहीं आ रही है, जिससे बहुत सारे होते हैं ना, आपको रिव्यू कर रहे हैं टाइगर 3 रिव्यू है, इस पर वीडियो बना सकते हो, ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे आदमी लोग सर्च कर रहे हैं, इस पर व्यूज आएगा। तो लेकिन बात करते हैं उन लोगों, बात करता हूँ दोस्तों जिनके चैनल के, जो किस कैटेगरी के चैनल है, जो कैटेगरी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, वो कैटेगरी शो नहीं कर रहा है। मान लेते आपका टेक के रिलेटेड वीडियो बनाते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बनाते हो, न्यूज कॉमेडी बारे में बनाते हो, कोई भी वीडियो बनाते हो, तो आपको देखिए चैनल का मिलता जुलता कोई भी कैटेगरी टॉपिक नहीं शो कर रहा है ना, तो आपको क्या करना होगा देखो। तो सबसे पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, गूगल ट्रेंड में जाना, इंडिया का, पूरा इंडिया का आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड को आपको पता कर सकते हो, पूरे इंडिया में अभी के टाइम में क्या सर्च कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए गूगल ट्रेंड देख लेना, सबसे ज्यादा आपको सर्च कर रहा है यहाँ पे। अब ये तो पहला तरीका हो गया, अब सेकेंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंडिंग टॉपिक आपको पता कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको न्यू एक फ्रेश पेज एक ले लेता हूँ, यहाँ से देखो आपको क्रोम ब्राउजर में जाना होगा, क्रोम ब्राउजर पे लिख रहा है, वहां पे आपको सबसे पहले आपको सर्च करना है थ्रू टॉप, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ बिंदु आपका, ठीक है, अप एंड आप नीचे से तरफ जाना है, सबसे देखो नी इन कॉन्गोनेट पे आपको क्लिक कर देना है, इन कॉन्गोनेट टैग पे आपको क्लिक कर देना है। देखो इस पे क्लिक कर लोगे ना, एक नया इंटरफेस आपके सामने इन कॉन्गोनेट का आप एंटर कर जाओगे। तो यहाँ पे इन कॉन्गोनेट में क्या होता है ना, कि लाइक किसी का सर्च नहीं रहेगा, ना ही किसी का लॉग इन रहेगा, ना ही किसी का वॉचेज रहेगा, आपका एक नया एक लॉग इन ओपन होता है ना, उस तरह का आपको खुला रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, URL ओके जाना है, देखो URL पे जाना है, यहाँ पे सर्च कर देना, आपको लिखना है गूगल, आपको गूगल लिखना है, आपको ट्रेंड गूगल लेकर सर्च करते हैं, पहले गूगल ट्रेंड नहीं लिखना है, पहले गूगल लिखना है, सिर्फ पहले गूगल आपको सर्च किया, अब गूगल पे आपको क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो वो गूगल आपका, बट आपको कुछ करना नहीं है, सर्च करना है आपको, देखो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखो ध्यान से देखना, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिक यहाँ देखो आपको लेफ्ट साइड में देखिएगा, आपको लेफ्ट साइड में देखिएगा, आपको लेफ्ट साइड में गूगल मैंने सर्च किया, सिर्फ गूगल, या देखो ट्रेंडिंग सर्च, ट्रेंडिंग सर्च करके आ गया है। अब देखो बहुत सारे कीवर्ड आपको लिख रहा है, ये सब कौन सा कीवर्ड है देखो बताता हूँ आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप देखिएगा यहाँ पे, ये सारा का सारा एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है दोस्तों, ठीक है। अभी के टाइम में करेंट में जो ये सब ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे लिखा अडानी, आपको बताया था मैंने जैक डेपर में, एक इंडियन क्रिकेट टीम आज दिवाली सेलिब्रेशन आ रहा है, एक ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। एक देखो आइसलैंड अर्थ क्यूब चल रहा है वहां पे, दिल्ली अर्थ क्यूब चल रहा है, जैक अर्का भी आ रहा है, अब गुजरात क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, दाल लेकर द हाउस बोट फायर एक्सीडेंट, मतलब इस तरह का आपका ट्रेडिंग सर्च का आपका सोच कर आज के करेंट में आपको, प्रेजेंट टाइम में आपको ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे शो कर है कि वो टॉपिक आपको यहाँ पे देख सकते हो। आपके कैटेगरी आपको जिस चैनल पे आप काम करते हो, आप जिसे वीडियो डालते हो, उससे जब आपको टॉपिक दिख रहा है ना, तो फटाक से उस टॉपिक पे वीडियो बना डालो, आपका व्यूज आना पक्का है, क्योंकि ट्रेंड में चल रहा, लोगों के डिमांड में चल रहा है दोस्तों। ये सब कीवर्ड पे वीडियो बनाओगे तो आपका व्यूज आना तय है हर। अब लेकिन बात करते हैं दोस्तों, तो चैनल पर जिस प्रकार वीडियो बनाते हो, आप किस टॉपिक नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो लास्ट वाला फॉर्मूला अपनाओ, आपका व्यूज आना पक्का 100-100% आना चाहिए। अब देखिए मान लेते हैं जो टॉपिक शो कर रहा था, ये सब टॉपिक मेरे चैनल से मिलता नहीं है, तो मेरे कैटेगरी से, मैं जिस टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ उस कैटेगरी टॉपिक मिलता है, तो कोई भी कीवर्ड नहीं है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको करना करना है आपको सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद देखिए, अब जिस फील्ड में आप काम करते हो, जिस भी कैटेगरी में काम करते हो, आपके लेवल में, आपके कैटेगरी में जो भी पॉपुलर यूट्यूबर कौन है, ठीक है, आप जिस फील्ड में, आप जिस जो कैटेगरी में, टेक में काम करते हो तो टेक में आपसे कोई लंबे जो पॉपुलर यूट्यूबर कौन है, आप ब्लॉगिंग में काम करते हो तो आपने देखने ब्लॉगर में आप सबसे लेवल में कौन है बड़े, तो आप गेमिंग में काम करते हो तो गेमिंग में भी आपसे लेवल में कौन बड़े हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए आपका टेक का चैनल है मेरा, ठीक है, तो टेक के कुछ यूट्यूबर को ओपन करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, मैं आपको स्पीडी ज्ञान को चैनल को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने देखिए स्पीडी ज्ञान के आपके सामने चैनल एक ओपन हो जाए, ये भी एक टेक यूट्यूबर है, ठीक है। तो स्पीडिंग ज्ञान के चैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ध्यान से देखना। देखिए लोड, तीन चैनल में देखो, एक स्पीडिंग ज्ञान एक्टिविटी राहुल हो गया,
एक क्रिएटर सर्च है, ठीक है। अब देखो ये सब चैनल क्यों, इस सारा का सारा चैनल मेरे कैटेगरी का चैनल है, जिनके पास आप वीडियो बनाते हैं ना उसी प्रकार से ये भी वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले विजिट करना है वीडियो को, ठीक है। दो तीन चैनल को ओपन कर लेना, विजिट करने बाद आपको देखना है कि 8-10 दिन के अंदर, मतलब 1 सप्ताह के अंदर की वीडियो के कौन सा अच्छा खासा व्यूज आया है। तो आप सबसे बात कर लेते हैं इनके चैनल के। तो देखो स्पीडी ज्ञान के, तो इसमें देखिए 9 दिन पहले वीडियो बनाया 64,000 व्यूज आए हैं, 12 दिन पहले बनाया 1 लाख व्यूज आया है, ये देखिए 2.5 लाख व्यूज आया है। तो मतलब ये भी देखो आपको 3.5 लाख व्यूज आया है 2 वीक में, 2 सप्ताह। सारे टॉपिक ही तीनों में से देखो इस टॉपिक पे ज्यादा आया है, तो शॉर्ट वीडियो वायरल करने का तरीका बताया है इस टॉपिक पे, इस कैटेगरी में ना ये जो टॉपिक है ना काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो अब क्या करना है ना, इसी से मिलता जुलता हो वो प्रति वीडियो बनाना है। तो यही काम मैंने किया है, आपका रिजल्ट आप देख लो, यहाँ पे वीडियो बनाया आपको देखो व्यूज अच्छा खासा आया है। तो सिंपल रीजन है क्योंकि ट्रेंडिंग में मैंने पकड़ा, तो मुझे पता चल गया कि मेरे कैटेगरी में आपको क्या चल रहा है। तो इसके बाद अलग व्यूज है, लेकिन इससे ज्यादा व्यूज है इसी टॉपिक पे मैंने कवर किया, ऐसे वीडियो मैंने बना डाला, सबसे पहला काम। और देखो एक्टिवेट राहुल पे भी अपने चैनल के कैटेगरी पे आप लोग जाना, यहाँ पे देखो एक्टिवेट राहुल पे आप देख लो। अब इनको वीडियो देखो आपको व्यूज किस प्रकार से आ रहे हैं, देखो आपको चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो 18 आवर्स पहले डाला है, अब 3,500 व्यूज है, यहाँ पे देखिए आपको देखो 10,000 व्यूज है, इसमें देखो 20,000 व्यूज है, इसको 12,000 व्यूज है, इसको 12,000, इसमें 14,000 व्यूज है, इसपे 11,000 व्यूज है, इस पे आपको 14,000 व्यूज है। तो इनके जो वीडियो पे ना सबसे ज्यादा व्यूज है, ये जो टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा ऑडियंस उसको देख रही है, तो डिमांड में। तो इसमें क्या है, यूट्यूब का अंदर एक पर्दाफाश किया है, ठीक है। तो आपको देखिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी से मिलता है, तो बनाऊंगा इसी को मैं टारगेट करूंगा, क्योंकि बाकी जो वीडियो है ना व्यूज है ना आपको ज्यादा व्यूज इनके इस वीडियो पे, तो ये वीडियो ऑडियंस ज्यादा देखना पसंद करी है हमारे कैटेगरी। तो इन वीडियो को वॉच करूंगा इसी से मिलता है, कुछ अलग अंदाज में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरी वीडियो को ज्यादा लोग देखें। तो ये हो गया। एक और आपको बताता हूँ, देखिए एक और आपको बताता हूँ, अब सिंपली आपको बताता हूँ क्रिएटर सर्च पे चला जाता हूँ, ठीक है। क्रिएटर सर्च में देखो इनके चैनल पे मैं विजिट करने के बाद आपको देखिए, आपको सिंपली मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपको एंड को मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो जैसे देखो ये कितना है, 4.5 व्यूज है, आप इसको देखो 13,000 व्यूज है, इसको 5,000 व्यूज है, इस पर देखो 19,000 व्यूज है, 8,000 व्यूज है, इस पर 18,000 है, 6,000 है, इस पर 28,000 व्यूज है। तो यहाँ पे देखो इस व्यूज पे ज्यादा है, 4 दिन मात्र 4 दिन 28 व्यूज है, 28,000 व्यूज है वीडियो का। देखिए रोज अपलोड वीडियो करना क्या इसका कोई कोई बताएगा, ठीक है। 8 वीडियो मैंने दिखाया, सबसे ज्यादा किस पे, इस व्यूज पे, यूट्यूब पे रोज वीडियो डालने से क्या होता है, तो बाकी कम व्यूज है तो इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज है। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है दोस्तों, तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से क्या होता है, सबसे पहले इस वीडियो बनाना है, नॉलेज होगा वीडियो को, खुद से नॉलेज इंप्रूव करके इस वीडियो बनाऊंगा, तो लोग क्या करेंगे मेरे वीडियो को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी मेरे चैनल कैटेगरी का है, इस तरह के वीडियो देख रहे हैं तो ऑडियंस देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं भी इसी टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, अच्छा खासा मेरे व्यूज आएंगे। तो बाकी वीडियो से कम है व्यूज है, लेकिन इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया है, तो ये भी बहुत सारा अच्छा तरीका है दोस्तों। आप ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग पता कर सकते हो, आप वर्ल्ड ट्रेंड में टॉपिक में कीवर्ड नहीं आ रहा है तो गूगल आपको किंग काउंटर पे भी जहाँ पे आप सर्च नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो अपने लेवल के, आपके मतलब अपने कैटेगरी के, अपने पॉपुलर जो यूट्यूबर लेवल यूट्यूबर है ना उनके यूट्यूब वीडियो पे जाओ, आप 10 दिन के जो वीडियो है कौन से सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, जो वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज है वही वीडियो पे आप वीडियो बना देना है, वही टॉपिक पे आप कवर करना है, तो ऑटोमेटिक आपको व्यूज आएगा आएगा। तो यही चीज आपको पसंद कर रहे हैं, आपको पहले मैंने बता रखा है, एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, तो इस तरीके से ना आपको वीडियो पे व्यूज ला सकते हो आप, हल्का लोगों पर डिमांड पर वीडियो ना इस तरीके से आपको ट्रेंडिंग वीडियो को आप कर सकते हो। आखिर एक्चुअल पे अभी टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये तरीका था, आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों, अदरवाइज चाहते हो सब्सक्राइब कंप्लीट करना चाहते हो तो आप क्लिक करो वीडियो को, अब सिर्फ 5 मिनट काम करो, चैनल पर 1K सब्सक्राइब आप लोग कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट कोई नई वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।